बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम कर्थलैंड, एम ए क्वालिफिकेशन इज एम फिल केमिस्ट्री। आई एम लेक्चरर इन लिम्स लेजर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ आवर लेक्चर नंबर 12 एंड द टॉपिक नेम इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, सेकेंड इज द साइक्लोडिशन रिएक्शंस, थर्ड इज द सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस, फोर्थ वन इज द चीलोट्रॉपिक रिएक्शंस एंड फिफ्थ वन इज द ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। आपकी जो कोर्स आउटलाइन में है सिक्स सेमेस्टर में जो है फर्स्ट थ्री टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लोडिशन रिएक्शंस एंड सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस। तो इन्हीं को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। व्हाट आर द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस? इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस मीन्स आपके पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शंस परफॉर्म होगा। दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ लीनियर कंजुगेटेड पाई सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने जो है वो सिग्मा बॉन्ड को प्रोड्यूस करवाना है और जो आपके पास जो सिस्टम होगा वो आपके पास कौन सा होगा? कंजुगेटेड सिस्टम मीन्स आपके पास पाई कंजुगेटेड सिस्टम है जिसमें अल्टरनेशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और उसमें जो है आपने उसका उनके जो है जो लीनियर है मीन आपके जो उसके एंड्स होंगे वहाँ पर आपने सिग्मा बॉन्ड जो है वो जनरेट करवाना है। सेकेंड इसकी डेफिनेशन है, इसके रिवर्स रिएक्शन भी आप करवाते हैं। द रिवर्स रिएक्शन इन विच अ सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन टू प्रोड्यूस अ लीनियर कंजुगेटेड पाई सिस्टम। यानी कि या तो आप सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके पाई सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सिग्मा बॉन्ड को जो है वो आप पाई सिस्टम के थ्रू आप सिग्मा बॉन्ड को सिंथेसाइज कर रहे हैं या सिग्मा बॉन्ड को आप ब्रेक करके पाई सिस्टम सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स आप अपने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर आप प्रोडक्ट्स को फर्दर रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। आपका प्रोडक्ट या तो सीस होगा या ट्रांस। साइक्लिक प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड फॉर द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस दैट फॉर्म सिक्स मेंबर साइक्लिक रिंग। ठीक है, मीन्स अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड आप सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसमें सिक्स मेंबर जो रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि उसमें एंगल जो है वो मेंटेन होगा और उसमें क्या है स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होगी। इसी वजह से जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड हैं वो सिक्स मेंबर साइक्लिक कंपाउंड ज़्यादा फेवरेबल होंगे और ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगर आप ओपन चेन कंपाउंड है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस तो उसमें जो है फोर मेंबर अल्कीन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। एंड जैसे आप यूज़ करते हैं 1,3-butadiene है उसमें फोर मेंबर अल्कीन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो उसका ये कंपाउंड ज़्यादा फेवरेबल होंगे। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिखाया गया है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं और अल्टरनेशन पे सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसके बॉन्ड की रोटेशन देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये आपके लीनियर एंड्स हैं। ठीक है, पाई कंजुगेटेड सिस्टम है ये आपका एक। अब पाई कंजुगेटेड सिस्टम में अगर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अब पाई कंजुगेटेड सिस्टम विच फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ लीनियर पाई कंजुगेटेड सिस्टम मीन यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड जो है ये जनरेट हुआ है और ये आपके क्या हैं पाई कंजुगेटेड सिस्टम के एंड्स हैं, टू एंड्स हैं। यहाँ पर आप देखें बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं, ये आपका पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ब्रेक होकर रिजल्ट में आपका ये सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, फिर आपका ये पाई बॉन्ड जनरेट हो गए, यहाँ पर नेक्स्ट एक पाई बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और आपका ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होके यहाँ पर एक और पाई बॉन्ड जनरेट कर रहा है। मीन्स ये आपके पास क्या है एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है और बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है। ठीक है, अब आप ये देखें ये आपका बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ये सिंथेसाइज हो गया न्यू, यहाँ पर फिर आपका यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर एक न्यू सिंथेसाइज होगा, फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक न्यू पाई बॉन्ड सिंथेसाइज होगा। मीन्स ये आपके पास कौन सा है कंसर्टेड मैकेनिज्म है और ये इंट्रा मॉलिक्यूल रिएक्शंस है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इसमें जो है वो रिएक्शन परफॉर्म होगा और इसको आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर देंगे तो आपके पास 1,3 जो है वो साइक्लोहेक्साडाईन जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपका सिस्टम प्रोड्यूस होगा, सिक्स मेंबर रिंग जनरेट होगा।
और हमने क्या था कि जो आपके पास, अगर आप फोर मेंबर कंपाउंड को देखते हैं तो उसमें आपके पास जो ओपन चेन कंपाउंड है वो ज़्यादा फेवरेबल है, और सिक्स मेंबर में जो आपके पास क्या है साइक्लिक कंपाउंड मोस्ट फेवरेबल होंगे। तो अगर देखें यहाँ पर ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ये आपने रिंग क्लोजिंग की है और ये आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो आपका सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और ये डबल बॉन्ड जनरेट होगा यहाँ पर, मीन्स अ सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ लीनियर कंजुगेटेड पाई सिस्टम। तो ये आपके पास एक पाई सिस्टम जनरेट हो गया है, कंजुगेशन में है ये वाले बॉन्ड्स भी, तो ये आपके पास सिस्टम क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम प्रोड्यूस हो गया। देयर आर फॉलोइंग रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज द ऑल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर अलाउड, मींस इसमें सिमेट्री अलाउड है, आपके जो मॉलिक्यूल्स की जो सिमेट्री होगी वो इसमें सेम वही रहेगी, ठीक है। एंड थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस इन्वॉल्व 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्रेटरी। 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग ये है कि यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगर आपका सिस्टम जो है उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। अभी जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किए थे उसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो वो आपके पास क्या होगा, उसमें डिस्प्रेटरी मोशन होगी थर्मली। लेकिन अगर आपके पास थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जिसमें आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे लास्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है, तो उसमें कौन रोटेटरी मोशन पॉसिबल है। कौन रोटेटरी रिएक्शंस आर द टू इन कौन रोटेटरी रिएक्शन द टू ग्रुप्स रोटेट इन द सेम वे, ठीक है। कौन रोटेटरी मीन्स आपके पास जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, या तो वो क्लॉकवाइज मूव करेंगे दोनों, या दोनों आपके एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। बट इन केस ऑफ डिस रोटेटरी रिएक्शंस वन ऑर्बिटल मूव और रोटेट क्लॉकवाइज एंड द अदर मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पर शो की गई है, ये आपके पास क्या है, 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है। 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड आपके पास क्या है, 6-3-4-dimethylcyclobutene है। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने के रिजल्ट में आपके पास जो रिजल्टेड प्रोडक्ट आता है वो आपके पास क्या आता है, 2E4Z। अब 2E आपके पास ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। अब 2 और 3 आपके पास ये वाली कार्बन है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे एक ही मिथाइल अपवर्ड है और कार्बन नंबर 3 पे ये मिथाइल डाउनवर्ड है, मीन्स ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपके पास किस फॉर्म में है, ये ट्रांसफॉर्म में है, ठीक है। और ये कार्बन नंबर ये 4 है आपके पास और ये कार्बन नंबर आपके पास कौन सी है, 5। अब ये कार्बन नंबर 4 और 5 पर जो अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास ये दोनों कार्बन आपके पास किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है, इसलिए 4Z यहाँ मेंशन है। जी का मीनिंग यहाँ पे सिस है, मीन्स अगर आप देखते हैं तो एक आपके पास मिथाइल ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पर एक मिथाइल अपवर्ड है, ये अपवर्ड जा रहा है मिथाइल एक, और इस कार्बन के ऊपर भी एक मिथाइल अपवर्ड इसी डायरेक्शन में है। ये प्रोटॉन इसका डाउनवर्ड है और इसमें इस पोजीशन के ऊपर जो प्रोटॉन है वो भी डाउनवर्ड है। तो ये जो आपके पास ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, सिस। तो अगर आप जो है वो सिस यूज कर रहे हैं उसके रिजल्ट में आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। लेकिन अगर आप सिस अपने रिएक्टेंट को जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट जो है नहीं बल्कि आप उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो इसके रिजल्ट में आपका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें ट्रांस आएगा। अब आपके पास ये जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है ये भी दोनों मिथाइल ट्रांस फॉर्म में है, और इस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल अपवर्ड एक डाउनवर्ड है, तो ये भी दोनों क्या है, ट्रांस फॉर्म में है। लेकिन अगर आप ट्रांस 3-4-dimethylcyclobutene यूज कर रहे हैं, उसको एनर्जी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में भी आपके पास यही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। कौन रोटेटरी या डिस रोटेटरी मोशन शो की गई है, कौन रोटेटरी मोशन है कि जिसमें दोनों ऑर्बिटल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर आप इस ऑर्बिटल को देखते हैं तो इसमें कौन से ये रोटेशन और ये क्लॉकवाइज रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि आपने इन दोनों लोब्स को ज्वाइन करना है, इन दोनों लोब्स को, ये रेड लोब्स को आपने ज्वाइन करने के लिए इसके जो है वो मोशन करवाएंगे, इसको रोटेट इस तरह से करवाना है। कौन रोटेटरी मोशन है कि आपके पास ये भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। अगर आप ये एरो देखते हैं, ये देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो सेगी वाला ऑर्बिटल है ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये दोनों रेड ऑर्बिटल जो है ये आपस में ओवरलैप करेंगे। या फिर इस तरह से भी है कि अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं तो आप इसको भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, या तो दोनों आपके पास क्लॉकवाइज होंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे इन केस ऑफ कॉन्ट्रेडिक्टरी मोशन, तो ये आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे। इन केस ऑफ डिस रोटेटरी मोशन में हमेशा जो आपके टर्मिनल लोब्स हैं, ठीक है, वो दोनों जो है वो सेम फेज में होंगे। भी रेड आपके पास रेड लोब इसका जो है वो अपवर्ड है, इसमें भी रेड लोब जो है वो अपवर्ड है। तो अगर आपने इसको क्या करना है,
कंबाइन करना है, इसको ओवरलैप करना है, तो उसमें से आप एक को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने रेड को रेड से ज्वाइन करना है। तो ये जो है आप इसकी एक की जो है आपके पास मोशन क्या होगी, क्लॉकवाइज, और सेकेंड इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। या तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करवा लें, इसको क्लॉकवाइज करवा लें, रिजल्टेंट में प्रोडक्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिब्यूटिंग मोशन में दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, वन इज क्लॉकवाइज एंड सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। देयर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग थर्मली। तो इसमें आप देखें कि आपने क्या यूज किया हुआ, टू फोर्सेस ऑक्टाट्राइन है, ऑक्टाट्राइन इसमें टोटल सिक्स जो है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसमें टोटल जो है वो 6 जो है वो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अब 6 कार्बन एटम्स हैं और इसके ये आपके पास क्या है, टर्मिनल लोब्स जो है वो प्रेजेंट है। अब इसके रिजल्ट में अगर आप देखें टर्मिनल लोब्स हैं आपके, तो इसमें ये आपने यूज करना है एक्साइटेड होमो जो यूज करेंगे आप। एक्साइटेड होमो में ये आपके पास क्या है, टर्मिनल लोब्स। अब ये टर्मिनल लोब्स जो है दोनों ब्लू शेडेड है, आप जब दोनों सेम साइड होंगी तो इसमें आपने कौन से मोशन करवाएंगे, डिस्ट्रोटेटरी मोशन। डिस्ट्रोटेटरी मोशन में एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें और एक एंटी क्लॉकवाइज में। अगर आप इसको इस तरह से ये रोटेट करवा रहे हैं तो ये आपके पास कौन सी मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको आपने किस तरह करवाना है, क्लॉकवाइज मोशन में। तो ये दोनों मोशन क्या है, ऑपोजिट। डिस्ट्रोटेटरी मोशन हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था अगर आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें आप डिस्ट्रोटेटरी मोशन थर्मली जो है वो सिमेट्री अलाउड है, तो इसमें डिस्ट्रोटेटरी मोशन पॉसिबल है। तो उसके रिजल्ट में ये दोनों आपके पास मशीन्स इस तरह से ओवरलैप करेंगी। लेकिन अगर आपके पास क्या है, अब इसका देखें, एक मिथाइल आपका जो है इस फॉर्म में प्रेजेंट है और एक मिथाइल इस तरह, मीन्स दोनों मिथाइल आपके पास ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आ रहा है उसमें आपके पास जो मिथाइल है वो आपके पास दोनों जो है वो सिस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो है आपके पास 2 और 6 पोजीशन देखें, 2E एंड 6E, मीन जो आपके पास ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 आपके पास ये वाली है। अब कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर आपके 6 के ऊपर 6 और ये 7 है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो आपस में क्या है, ट्रांस है, ठीक है। अब ये मिथाइल भी ट्रांसपोजिशन पे है और ये मिथाइल भी ट्रांसपोजिशन पे है। आफ्टर डिस्ट्रोटेटरी मोशन आपके पास जो ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं ये आपके सब्स्टिट्यूशन किस में आ रहे हैं, सिस फॉर्म में आ रहे हैं, 6, 5, 6 डाइमिथाइल 1, 3 साइक्लो हेक्साडाइईन आपके पास प्रोड्यूस होगा और ये आपस में ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल्स। दोनों आपके पास प्रोटॉन अपवर्ड है, ठीक है, और दोनों मिथाइल क्या है, डाउनवर्ड है, इसी वजह से ये सिस प्रोड्यूस होगा। और सेकेंड अगर आप देखते हैं तो इसमें आप ये आपके पास मोशन तो है डिस्ट्रोटेटरी मोशन ये, क्योंकि दोनों टू लोब्स जो अपवर्ड हैं लेकिन पोजीशन यहाँ पर मिथाइल की दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। इसमें तो ये आपके पास ये किस फॉर्म में है, ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपके पास देखें ये वाला मिथाइल जो कार्बन नंबर 6 में प्रेजेंट है तो ये आपके पास मिथाइल किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जब आप इसकी मोशन करवाएंगे तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आ रहा है वो ट्रांस फॉर्म में आएगा, यानी कि एक आपके पास मिथाइल आप जो है वो डाउनवर्ड है और सेकेंड आपके पास मिथाइल किस फॉर्म में आ रहा है, अपवर्ड। तो इसकी रोटेशन भी क्या है, डिसरोटेटरी। मीन्स जब आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन जब आपकी डिफरेंट होंगी रिएक्टेंट की तो आपके प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट आएंगे। इसलिए कहते हैं जो आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं, इसकी जो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, मीन्स जो आपके प्रोडक्ट्स की ज्योमेट्री है वो आपके रिएक्टेंट्स की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स आपके रिएक्टेंट्स के ऊपर सब्स्टिट्यूशन किस तरह से अटैच है उसी तरह से आपका प्रोडक्ट जो है वो सिंथेसाइज होगा। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग फोटोकेमिकली, अब फोटोकेमिकली आपने देखना है, मीन्स अब आपने सिस्टम को जो है वो लाइट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट सिस्टम देखते हैं, ग्राउंड स्टेट होमो आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें इस तरह से आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जब आप एक्साइटेड स्टेट होमो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑर्बिटल्स की सिमेट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या प्रोवाइड किया है, सिस्टम को लाइट प्रोवाइड की है, लाइट प्रोवाइड की है तो दोनों ब्लू लोब्स आपके अपवर्ड हैं। अगर आप देखते हैं एक आपके पास लोब ये है, ठीक है, ब्लू लोब इसका अपवर्ड है, और एक आपके पास लोब ये वाला है, यानी कि एक फर्स्ट है और एक आपके पास फोर्थ, एक फर्स्ट वाला लोब है और एक फोर्थ वाला लोब है। ये दोनों लोब्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं और इसमें एक मिथाइल आपके पास इस फॉर्म में है यानी कि ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है और सेकंड मिथाइल भी आपके पास ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है। इसलिए इसका नेम क्या है, 2E 4E 2 4 हेक्साडाइईन।
ठीक है, मेन प्रोडक्ट वो 6 कार्बन एटम्स हैं और इसमें जो है 4 जो है कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं, इसमें अल्टरनेशन पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए एक आपके पास कार्बन एटम ये है टर्मिनल जिसमें डबल बॉन्ड है, और एक आपके पास सेकंड टर्मिनल ये है जिसमें डबल बॉन्ड है, और इन दोनों के जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ये फर्स्ट वाला है और एक ये फोर्थ वाला ऑर्बिटल है। क्लियर, जब आप इसमें हम मोशन करवा रहे हैं, जब आप जो है वो यूज कर रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस किया था, उसमें अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो वो आपने उसको रोटेशन करवानी है, आपने एक्साइटेड होमो यूज किया है, तो वो आपके पास फोटोकेमिकली सिमेट्री अलाउड होगा, बट इन केस ऑफ डिस्पिरेटरी इसमें मोशन होगी। डिस्पिरेटरी मोशन कैसे होगी, दोनों सेम लोब्स हैं, तो अगर आप इसको करवा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं तो ठीक है, और इसको आप करवाएंगे क्लॉकवाइज ताकि ये दोनों रेड लोब्स आपस में ज्वाइन करें, और आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, सिस फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिथाइल आपके पास स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट थे, अगर आपने रोटेशन करवाई है यहाँ पर, ठीक है, इस रेड लोब को इस रेड लोब से कंबाइन किया है, तो ये भी आपके पास राउंड डाउन में जो है मूव कर जाएगा, ये भी डाउनवर्ड मूव करेगा और दोनों प्रोटोन अपवर्ड मूव करेंगे, तो रिजल्टेंट में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा सिस 3-4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। एक और जो एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस की गई है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और जो है जो अगर आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो उसमें भी आपने एक्साइटेड होमो यूज करना है। इसमें देखिए एक लोब आपका ब्लू है और एक लोब आपका क्या है, रेड। जब आप इनको ज्वाइन करना है तो आपने दोनों के क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, या इसको भी क्लॉक वाइज मूव करवाएंगे इसको भी, ठीक है, या दोनों को एंटी क्लॉक वाइज मूव करवाएंगे, तो ये मोशन आपकी कौन सी होगी, कॉन्ट्रेटरी, और इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रांस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपने इसको जो है क्लॉकवाइज मोशन में मूव करवाया और इसको भी यहाँ पर क्लॉकवाइज मोशन में मूव करवाया, जब क्लॉकवाइज मोशन में मूव करवाएंगे तो इसका मिथाइल क्या आएगा, डाउनवर्ड, इसको भी क्लॉकवाइज में मूव करवा रहे हैं इसका मिथाइल क्या आएगा, अपवर्ड, तो कॉन्ट्रेटरी मोशन इसमें इस तरह से मेंशन करेंगे। मीन्स जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम में फोटोकेमिकली डिस्ट्रिब्यूटरी मोशन होगी, और उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम में कॉन्ट्रेटरी मोशन होगी फोटोकेमिकली, फिर आपके पास इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग थर्मली। अब आपने रिंग को ओपन करना है जिस तरह से आपने रिंग को क्लोज किया था, तो इसी तरह से आपने इसको मोशन जो है वो करवाएंगे। अब आपके पास ये कौन सा सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, अब आपने रिंग को ओपन करना है। रिंग को ओपन करने के लिए आपने इन दोनों के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड सिंथेसाइज किया है आपने इसको ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने के लिए आप जो है दोनों को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आए वो आपका हीट प्रोवाइड करें, तो आपके पास होमो जो है वो जनरेट होगा। उसमें एक लोब जो है वो दोनों डिफरेंट लोब्स होते हैं, ठीक है, उसके टर्मिनल में, तो अगर आप यहाँ देखें एक रेड लोब अपवर्ड है और एक रेड लोब आपका है डाउनवर्ड, तो इसके रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, 2E4Z2 हेक्साडाइईन प्रोड्यूस होगा, और इसी से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें आप कॉन्ट्रेटरी मोशन करवाएंगे थर्मली जो है रिंग ओपनिंग में, कॉन्ट्रेटरी मोशन करवाएंगे इन केस ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है लेकिन मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, तो ये आपके पास इस आपके पास 3-4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन है, और यहाँ पर आपके पास ट्रांस 3-4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन है, दोनों की पोजीशन क्या है आपके पास मिथाइल ग्रुप में, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन दोनों में डिफरेंट है, और दोनों में कॉन्ट्रेटरी मोशन हो रही है थर्मली, और आपके पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिफरेंट ज्योमेट्री के साथ प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड इवन नंबर है, मीन्स 2, 4, 6 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो उसमें थर्मली अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं उसमें कॉन्ट्रेटरी मोशन करवाएंगे, और फोटोकेमिकली रिएक्शंस में आप के डिस्ट्रिब्यूटरी मोशन करवाएंगे। लेकिन अगर आपके पास जो है ओड नंबर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे आपके पास 1 है 3 है 5 है, तो उसमें आप जो है थर्मली डिस्ट्रिब्यूटरी मोशन करवाएंगे और फोटोकेमिकली उसमें कॉन्ट्रेटरी मोशन होगी, तो तब आपके पास जो है वो ओवरलैपिंग होगी। थैंक्स।